पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम कानूनी फंदे में फंसते दिख रहे हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। शिकंजा कसते ही वो सलाखों के फंदे में आ सकते हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एयरसेल मैक्सिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दी है। 9 आरोपियों में सबसे पहला नाम चिदम्बरम का है, यानी आरोपी नंबर 1 है चिदम्बरम। पटियाला हाउस कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी। सुनवाई 26 नवंबर से शुरू होगी। ठीक उसी समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों के चुनाव भी होने हैं। एंड चुनाव के मौके पर अगर अदालत कुछ कहती है तो चिदम्बरम और कांग्रेस दोनों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कांग्रेस भले ही ये कहकर गाल बजाए कि ईडी सरकार के कब्जे में है और ये जानबूझकर बनाया गया केस है, लेकिन पब्लिक कहां कुछ मानती है। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए अयोध्या प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।